मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नवरात्र मेला के दृष्टिगत मंदिर के तरफ जाने वाले पुरानी वीआईपी व नई वीआईपी मार्ग कोतवाली मार्ग व मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के दर्शन की सुविधा के लिए बैरिकेटिंग साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोतवाली मार्ग पर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश की मार्ग के मध्य में व कहीं कहीं किनारे रखे गए पत्थरों को हटाया जाए तथा बेहतर साफ सफाई कराया जाए। अनुपालन न होने पर जिलाधिकारी ने राजकीय निर्माण निगम कॉरिडोर के सहायक अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया। पिलरों के बीच में निकले विद्युत तार को व्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया है। नवरात्र का मेला जनपद मिर्जापुर में आयोजित किया जा रहा है और यह कल प्रातः से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई है। जो हमारी परंपरागत तैयारी है, सेक्टर और जोन वार ड्यूटी लगाई गई है, उसमें हमने इसको 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है। सफाई की बहुत व्यवस्था की गई है, लगभग 800 से अधिक कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों के लगाए गए थे और इसमें बृहद सफाई अभियान चलाया गया है। इस प्रकार विगत मेले में भी हमने जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत गाड़ियां हमारे पास थी, उनको हमने यहाँ मेले में डेप्यूट किया है, उन पर ड्राइवर का डेप्यूटेशन भी किया है और ये गाड़ियां निरंतर वहाँ भ्रमणशील रहेंगी अष्टभुजा और कालिखो मंदिरों के परिसर में और लगातार वहाँ पर जो भी हमारा कूड़ा है उसको इकट्ठा करेंगी और मेले को हम लोग जो पॉली वेस्ट है उसको लोग कम से कम प्रयोग करें और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मेले को पॉल्यूशन मुक्त मेले के रूप में जो है वो डेवलप किया जाए। इसके साथ ही चूंकि ग्रीष्म ऋतु रहेगी तो ग्रीष्म ऋतु को रखते हुए हमने विशेष तैयारियां ये की है कि जो शेड हमारा जहां तक पहले लगता था उसकी दूरी बढ़ाई है, लंबी दूरी तक शेड लगेगा और नीचे मैटिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें 11 मेडिकल टीमें हमने विभिन्न स्पॉट्स पर लगाई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी हमने लगाई हैं अष्टभुजा कालिखो और विंध्याचल के पास। इसके साथ ही